बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपको ओपन जीएल 3.3 के मतलब बताऊंगा। अगर आपके पास ये एरर आ रहा है तो इसको किस तरह से सॉल्व किया जाता है, तो आज की वीडियो में आप ये सीखेंगे। तो वीडियो को शुरू करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ में बेल आइकन को प्रेस करके ऑल के नोटिफिकेशन पे क्लिक कर दें, ताकि मेरी कोई भी वीडियो आए उसकी अपडेट सबसे पहले आप तक पहुँच सके। तो वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, ये एरर मोस्टली जो ग्राफिक कार्ड की वजह से आता है। अगर आपके पास ग्राफिक कार्ड अच्छे से काम नहीं लगा सपोर्टेड वाला, तो आपके पास ये एरर आएगा। तो इसके हमने ग्राफिक कार्ड के बिना भी हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो आज मेरे पास ग्राफिक कार्ड नहीं लगा हुआ उस तरह का, तो मैं आपको दिखा भी सकता हूँ। यहाँ पर जाएंगे, मैं आपको अपना ग्राफिक कार्ड शो कर देता हूँ। यहाँ पर डिस्प्ले में सेटिंग में जाके मैं अपना ग्राफिक कार्ड की प्रॉपर्टीज़ तक आपको दिखा देता हूँ। मेरे पास ग्राफिक कार्ड अच्छे किस्म का नहीं लगा हुआ। ये ग्राफिक कार्ड है जी मेरे पास, इस तरह इस वक्त ये शो कर रहा है 1695 MB का है। तो इस पर वक्त मेरे पास अच्छे किस्म का ग्राफिक कार्ड इंस्टॉल्ड भी नहीं है, तो इसको बिना ग्राफिक कार्ड की हम इसको सॉल्व करेंगे। तो दोस्तों, ये मेरा प्रोग्राम है लुमिनर 4, इसमें एरर आ रहा है, तो इसको मैं ओके करके क्लोज कर लेता हूँ। तो आपको एक फ़ाइल की ज़रूरत पड़ेगी, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा इस वीडियो के, तो वहाँ से जाके आप इसको डाउनलोड कर लीजिए। तो इस फाइल को हम एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं। इधर इसके अंदर जितनी भी फाइल्स हैं वो एक्सट्रैक्ट होके हमारे पास यहाँ पर आ चुकी हैं। ये दो फाइल्स इसके अंदर थी, इन दोनों एक्सट्रैक्ट होके आ चुकी हैं। अब दोस्तों, इन दोनों फाइल्स को आपने यहाँ से राइट क्लिक करके कट कर लें, और लुमिनर 4 प्रोग्राम, जिस प्रोग्राम में भी आपको ये प्रॉब्लम आ रही है, उस पर राइट क्लिक करके ओपन फाइल लोकेशन कर लें। तो यहाँ से ये ओपन ओके हमारे पास इसका लोकेशन आ जाएगी, एग्जैक्ट लोकेशन। तो यहाँ पर आके इसको आपने राइट क्लिक करके पेस्ट कर देना है और रिप्लेस कर देना है। तो रिप्लेस करने के बाद आपको यहाँ कंटिन्यू का ऑप्शन मांगेगा, तो ओके कर दें, फिर दोबारा से कंटिन्यू को कर दें। तो ये हमारे पास यहाँ पर दोनों फाइल्स यहाँ पर मूव हो चुकी हैं। अब दोस्तों, अगर आप इस फाइल्स प्रोग्राम को चलाते हैं तो ये प्रोग्राम बिना किसी एरर के अभी चलेगा। तो जैसे मैं अभी इस प्रोग्राम को ओपन करता हूँ, तो ये प्रोग्राम अभी बिना किसी प्रॉब्लम के मेरा चल पड़ेगा, और इसमें ओपन जीएल 3.3 का जो एरर आ रहा था वो अब नहीं आएगा, और इस प्रोग्राम को मैं इजीली विदाउट एनी ग्राफिक कार्ड में चला लूँगा। उम्मीद करता हूँ आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। उस तरह की और भी इन्फॉर्मेशन रिलेटेड अगर वीडियो चाहिए आपको, तो हमारे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर दें और साथ में बेल आइकन को प्रेस करके ऑल के नोटिफिकेशन पर क्लिक कर दें, ताकि मेरी कोई भी अपडेट्स आप तक पहुँचे तो आप उसको ईजिली सबसे पहले दे सकें। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों अल्लाह हाफिज़।